नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। इसराइल ने 5 हमास कमांडरों को मार गिराया। हमास बोला हमले में 50 बंधकों की मौत। अमेरिका ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले किए। ईडी कार्रवाई के बाद डोटासरा का पहला बयान, बोले में बेईमान तो जिंदगी भर जेल में रहने को तैयार। राठौड़ महरिया अपनी संपत्तियों की जाँच करवाए। फरीदाबाद में पटाखे से मैरिज पैलेस जलकर खाक। वीडियो, अंदर शादी समारोह चल रहा था, आग तेज, खाना डांस छोड़ बाराती जान बचाकर भागे। हरियाणा ने अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के दावों की पोल खोल दी। हरियाणा ने नासा की आधिकारिक वेबसाइट के सैटेलाइट इमेज जारी किए हैं, जिसमें हरियाणा से दोगुने से भी ज्यादा पराली जलाने के केस दिख रहे हैं, जबकि इमेज में पंजाब से आधे से भी कम हरियाणा में एक्टिव फायर के केस दिख रहे हैं, जबकि पंजाब लगातार कम पराली जलाने का दावा करता रहा है। पीएम मोदी का चित्रकूट दौरा, आज 2 घंटे 35 मिनट तक धर्मनगरी में रहेंगे प्रधानमंत्री। नए सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। अमेरिका जैसे ही आतंकी घटना रोकने के लिए यूपी पुलिस तैयार। लोन वुल्फ अटैक से निपटेंगे एटीएस कमांडो। प्रशांत कुमार बोले, गोरखपुर में आतंकी मुर्तजा को जिंदा पकड़ना इसका उदाहरण। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सजाए मौत। सरकार बोली, उन्हें छुड़ाने के कानूनी रास्ते खोज रहे। विपक्ष ने कहा, केंद्र ने गंभीरता नहीं दिखाई। पीएम शिरडी पहुंचे, साईं मंदिर में पूजा की। 7500 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, पहले भ्रष्टाचार के आंकड़े आते थे, अब विकास हो रहा है। निवेशकों की सहूलियत के लिए नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त। एसपीएस राधा रतोड़ी ने कहा, अधिकारी आइसोलेशन की कार्य संस्कृति छोड़ कॉर्पोरेट कार्यशैली के तहत करे काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के तौर पर चुना गया है। 1 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन 3 राज्यों में स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी हुंकार भरेंगे। चेन्नई रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 1,150 करोड़ में इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े विभिन्न उद्योग शामिल हैं। सीएम आज चेन्नई में करेंगे रोड शो। हेल्थ केयर, फार्मा, एनर्जी सेक्टर से जुड़े निवेशकों से करेंगे मुलाकात। अब तक 5,550 करोड़ के MOU साइन। खबर नंबर 13, गवर्नर का सीएम मान को एक और खत। मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह की कंपनी पर उठाए सवाल, नियमों की उल्लंघना के आरोप। सनातन धर्म के साथ नीतीश तेजस्वी कर रहे खिलवाड़। बीजेपी MLC जीवन कुमार बोले, इस्लामिक फॉर्मेट में शिक्षा विभाग को चलाना चाहती है सरकार। पूर्व IPS अधिकारी मीरा बोरण वकर की किताब मैडम कमिश्नर हाल ही में रिलीज हुई है। इस किताब से उन्होंने 26/11 मुंबई हमले के दोषी मोहम्मद अजमल कसाब के बारे में कई बातें बताई। मीरा ने लिखा है, कसाब का जेल में कभी भी बिरयानी नहीं दी गई। जब भी मैंने उनसे बात की तो वो चुप रहा था, फिर बस मुस्कुराए। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नव भारत टुडे। नमस्कार।